गया था। कॉपी हो गए? यस सर। देखिए, अगर हाफ लाइफ के लिए पूछा जा रहा है बता दीजिए कैसा ग्राफ बना दें। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक है, तो यहां पर अगर आप जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ? स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई? हाँ सर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा? कॉन्स्टेंट वन। कॉन्स्टेंट। और सेकेंड ऑर्डर में? स्ट्रेट लाइन। वन बाय का स्ट्रेट लाइन। स्लोप उल्टा होगा। हाँ सर। किसका उल्टा? मतलब सर शुरुआत ओरिजिन से नहीं होगी, ऊपर से होगी। ऊपर से होगा। कैसे बना दे बताओ उनको? ऐसा बना दे? नहीं सर ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन ही स्ट्रेट लाइन ही होगा सर, ऊपर से वो भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। ऐसे बना दे? नहीं सर। सिरोज का जो है ना वही ऊपर से स्टार्ट हाइपरबोला। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसा हाइपरबोला टाइप वाला है सर। हमको तो नहीं आ रहा था, अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ सर। ऊपर से नीचे की तरफ कर्व होगा ऐसा, लेफ्ट टू राइट ऐसा? नहीं सर, नीचे की तरफ। अच्छा, और बता दो तुम जैसा बताओ। ऐसा ऊपर से बना है भाई, बस वो ऐसा मतलब नीचे की तरफ बेंड होता होगा। नीचे की तरफ बेंड ऐसा? हाँ सर। काम चल जाएगा इससे? हाँ ठीक है। कुछ हाँ ना बोल दीजिए भाई। हाँ चलो, मुबारक हो, छाप लो। इरेज कर दूं क्या? हो गया कॉपी? इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ।
दो मिनट के बाद कॉपी करना है ना। आप पहले कॉपी करेंगे कि पहले मैं समझा दूं? समझा दीजिए। समझा दो सर। देखिए हम पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट अलग अलग कंडीशन पे बन रहे हैं। रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट और डीकम्पोज इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन। ए गिव्स बी, ए गिव्स सी। के वन इसका कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट के टू है। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है? तो अगर हम रेट लिखेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू के वन प्लस के टू, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको? हाँ सर, हाँ पक्का है। अब सपोज कर लेते हैं कि ए टू बी हमारी मेन रिएक्शन है और ए टू सी हमारी साइड रिएक्शन है, तो जो मेन रिएक्शन है इसका मतलब इसका के वन ज्यादा होगा, के वन इज ग्रेटर देन के टू, is it? Yes sir. हाँ sir. After certain time हमने क्या notice किया कि x mole per liter of B and y mole of per liter of C form हो रहे हैं, यानी B से x mole per liter और C में y mole per liter form हो रहे हैं। ऐसे case में क्या होगा, K1 जो constant है वो उसकी concentration के directly proportional हो जाता है, तो K1 is equal to x और K2 is equal to y, ये हमको relation मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट है, तो लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। इसके बाद हम आते हैं, हमने रेट निकाला बी का, डीबी बाई डेल्टा टी और डीसी बाई डी टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, एक्स बाई वाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। तो एक्स बाई वाई होना चाहिए, तो एक्स बाई वाई किसके इक्विवेलेंट है, के वन और के टू के, तो हम के वन और के टू लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। ये आप देख लीजिए, ये ऐसा है एक्चुअली, ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू के वन बाई के। हार्डली कोई क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पता होना जरूरी है, नोट करिए, बाकी क्वेश्चन पे और एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे हम लोग बाद में। आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू किया है कि नहीं किया है? हाँ सर किया है। हाँ सर शुरू किया। सॉल्व हो गया? जितना आपने लास्ट टाइम दिया था उतना, 40 क्वेश्चन। 40 के 40 आ गए? नहीं। कितने आए? सर अच्छे खासे आ रहे थे, दो तीन ही डाउट निकल रहे थे। हाँ सर। हाँ सर इतने नहीं। गुड। अभी क्या करना है, जैसे 40 आपने स्टार्टिंग के किए तो वहां पर मैं देख रहा था कि बहुत सारा सब टॉपिक्स है, हेडिंग्स है, तो जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है लास्ट में एकदम, उसके क्वेश्चन तो मोस्टली मैं देख रहा था कि हम लोग ने क्लास में किए हुए हैं। देखो पेज नंबर क्या था, याद भी नहीं है ना, तो पूरा मॉड्यूल ही लग सकता है।
वाला कर पाएंगे अभी आप लोग। मैं रेस करूं क्या सर? सर एक मिनट, एक मिनट लिख लो। हो गया सर। हो गया दो मिनट सर, लास्ट का लिखा। कहाँ पर है? तो वो लास्ट के जो दो बॉक्स सर हो गया। अभी जरा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, पहले मैं लिख लूं उसके बाद आप कॉपी करिएगा।
क्या लिखा है मैं ये पढ़ देता हूं, ठीक है, समझाऊंगा एक साथ क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं, आरहेनियस थ्योरी भी इसे बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पहला लिखा है। नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, 10^26 to 10^28 होता है। फिर एवरी कोलिजन डजंट ब्रिंग अ केमिकल चेंज, हर कोलिजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। फिर ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में लिखा है कि इफेक्टिव कोलिजन्स आर जनरली वेरी लेस, बहुत कम होते हैं इफेक्टिव कोलिजन नॉर्मल कंडीशन। सर सर ऊपर का नहीं दिख रहा, थोड़ा जरा ऊपर में करिए, ठीक है, लेफ्ट का थोड़ा सा ना सर। हां सर परफेक्ट। हो गया सर, दो मिनट सर अभी नहीं।
चलो क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इफेक्टिव कोलिजन के लिए, एक एनर्जी का और दूसरा ओरिएंटेशन का। एनर्जी के लिए सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेसेस एज टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर। मतलब मिनिमम एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं कोलाइडिंग कोलिजन होने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए है और ये कोलिजन के लिए। दोनों बात समझ में आ रही है आपको, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, आपस में क्या रिलेशन है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इन शॉर्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी की ज्यादा है तो क्या वो रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप चाहें तो इसे समझने के लिए आप इसे रेस्टिंग एनर्जी की तरह समझ लीजिए कि ये रेस्टिंग एनर्जी है। जब तक ये है आपके पास तब तक आप रेस्टिंग कंडीशन में हो। ये आपकी कम कर दी तो आप रिएक्टिव हो जाओगे। ठीक है, करिए नोट डाउन। सर आप वो लास्ट में आपने जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो उसके बाद में आप कुछ बोल रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम जब होगा तब वो रेस्टिंग में होगा, वो पार्ट नहीं समझा सर मुझे। मैंने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग एनर्जी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी के पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो रेस्ट में रहेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप इसे याद करने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि ये रेस्टिंग एनर्जी है। Is it? Sir, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो थर्मोडायनेमिक्स है ना? हाँ हाँ हाँ। ऊपर का हुआ है क्या टॉप का? हाँ सर। हाँ सर।
इरेज करूं थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एक्टिवेशन चल रहा है सर मैं एक्सप्लेन करूं यस सर चलो अभी जरा फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमने जहां से थ्योरी स्टार्ट की थी ठीक है पहला पॉइंट ये था कि रिएक्शन कभी भी होती है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पक्का कोलिजन होता है आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए जो भी आपको याद आ रहा हो इवन H2+Cl2+HCl की अगर आप बात करोगे तो पक्का हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोलिजन हुआ होगा तभी HCl बना है तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इट क्लियर ठीक यस सर दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा था कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर वॉल्यूम जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसे हम क्या बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और वो फ्रीक्वेंसी हमको ये बताती है कि इफेक्टिवनेस कितनी है हमको ये बताएगी कि रिएक्शन की इफेक्टिवनेस कितनी है या पॉजिटिव या रेट कितना है फाइन ये बहुत हाई होता है आपको बताया 10^28 तक होता है 10^28 तक ये याद रखिएगा रेंज आपको इसके बाद आपको बताया कि हर होने वाले कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन नहीं मानते यानी हर कोलिजन प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प नहीं करता तो फिर कौन सा करता है और कौन सा नहीं करता यहां पर देखेंगे हम यहां पर हमने A+B रिएक्शन दिखाई है विच गिव्स प्रोडक्ट ठीक अब ये A+B का हर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट नहीं बना रहा है इसके कोलिजन की तीन पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई है यहाँ पे इनमें से कौन सा कोलिजन आपको इफेक्टिव दिख रहा है थर्ड वाला बाकी के हैं यूजलेस तो क्या है तो जो भी कोलिजन इफेक्टिव होगा वही प्रोडक्ट में टर्न अप होगा बाकी के टर्न अप नहीं होते इसलिए मैंने बोला था उनका नंबर नॉर्मल कंडीशन में कम होता है मैंने तीन में से एक दिखाया आपको इफेक्टिव कोलिजन राइट अब आते हैं आगे की बात कि भाई कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है तो मैंने कहा दो फैक्टर्स हैं दो बैरियर्स हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है एक एनर्जी बैरियर दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर एनर्जी बैरियर में हमने दो टर्म पढ़े एक थ्रेशोल्ड पढ़ा और एक एक्टिवेशन पढ़ा एक्टिवेशन मैंने आपको बोला कि वो उसकी रेस्टिंग एनर्जी है ठीक अब आप जब उसको एनर्जी दे रहे हो थ्रेशोल्ड तो वो दो कामों में यूज होने वाली है एक तो उसका एक्टिवेशन यानी उसको रेस्टिंग एनर्जी को कम कर दिया और बचा हुआ क्या है काइनेटिक एनर्जी देती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को तो आपका ये बैरियर आपको क्रॉस करना होता है तभी आपका मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा पॉइंट नंबर वन अब उसके पास एनर्जी तो आ गई
बट सिर्फ एनर्जी होने से कोलिजन प्रॉपर नहीं होगा. कोलिजन के लिए फिर क्या चाहिए हमको? प्रॉपर मैनर, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन है. मैनर का मतलब ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन. तो जब तक सिर्फ एनर्जी होने से नहीं होगा, प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाकर के कोलिजन इफेक्टिव होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है, और इफेक्टिव कोलिजन दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी एनर्जी प्लस उसका ओरिएंटेशन. इज इट क्लियर? यस सर. नोट कर लो फोटो छोटो जो बनानी है. सर अगर कुछ स्पॉन्टेनियस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ तो उसमें वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पास करना पड़ेगा. वापस बोलो बेटा. सर वो एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से होता है तो उसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी सब चाहिए रहेगी. थ्रेशोल्ड एनर्जी सब जगह होगी. आपको थोड़ा अगर इक्विलिब्रियम का याद आ रहा हो तो हम लोगों ने वहां पे दो ग्राफ पढ़े थे. याद है कुछ? ये एनर्जी ग्राफ और रिएक्शन प्रोग्रेशन का. ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. और ये आपका प्रोडक्ट का. तो इसे देख करके आपको पता चल रहा है किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की. रिएक्टेंट की अगर ज्यादा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक हुआ? एंडोथर्मिक. सोच करके जरा देखो फिर बताओ. एक्सोथर्मिक. ये ग्राफ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक. क्यों एक्सोथर्मिक है? थोड़ा फाइनल एनर्जी थोड़ा कम हो गया. फाइनल एनर्जी क्योंकि कम हो रही है, बिल्कुल सही. ये एक्सोथर्मिक है. ये ग्राफ एंडो. लिख लीजिएगा. एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आपने ई क्या लिखा सर? वो एरो मार्क डाला है ना. ई ए एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके सर.
ग्राफ नीचे का हुआ है क्या? यस सर। देखिए जरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। जनरली 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, डबल और ट्रिपल बोला है, बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी कंसीडर डबल ओनली, ट्रिपल नहीं। स्टेटमेंट लिखा जाता है पर कैलकुलेशन में डबल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर लो रेंज ऑफ टेम्परेचर है तो हम ऐसे ही आइडिया से बता देते हैं कि आपने 25 या 35 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया होगा, ठीक है। बट अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे, एग्जैक्ट बात करेंगे, तो हमें आर्हेनियस इक्वेशन यूज करना होता है। हमने आपको इक्विलिब्रियम में भी बताया था K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। के आपका रेट कॉन्स्टेंट है, ए आर्हेनियस और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। अगर इसका हम लॉगरिथम लेते हैं बेस 10 का, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, log k is equal to log a minus ea upon 2.303, r कहां चला गया, 1/t। हमने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया है log k 1/t के लिए, आप देख रहे हैं नेगेटिव ग्राफ आया है, राइट। तो न्यूमेरिकल एक बार एडवांस का ही क्वेश्चन था, ग्राफ की आपको स्लोप की वैल्यू गिवन थी और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था, तो स्लोप की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये अपॉन 2.303 आ रहा होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए आप जरा, है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर आपको स्लोप की वैल्यू दी है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2.303 आर का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, इज इट? हाँ सर। तो ज्यादा समझेगा, कर लीजिए कॉपी पहले इसे। सर वापस एक्सप्लेन करोगे क्या? मैं कह रहा हूँ मैंने log k ये देखो और 1/t का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो ये स्लोप की वैल्यू ये हो गई? हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वैल्यू ऑफ स्लोप इज गिवन समथिंग और आपसे पूछा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो स्लोप इज इक्वल टू दिस होगा, तो ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर। वो क्वेश्चन आया था। ओके सर।
सर एक मिनट सर सर आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही सर सॉरी म्यूट हो गया फॉर कंपैरिजन log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 into t2 yaad aa raha hai equilibrium mein bhi use kiya hai hum logon ne ise bhai once upon a time ha kya ha once upon a time ya equation yaad aayi once upon a time yaad aayi kiya tha hum log ne wahan bhi question सर फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब अरेनियस और फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक आरएनी जिस तरीके से कांस्टेंट होता है ना उसी तरीके से ये आरएनियस का कांस्टेंट है ओके सर मतलब उसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है हाँ ठीक है सर अब देखो इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं क्योंकि बहुत कैलकुलेशन होता है लॉग टेम्परेचर ये सारे टर्म में कैलकुलेशन बस लेंथी होता है अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको मैंने यूनिट निकालने का आपको ट्रिक बता दिया था ना पहले हाँ सर क्वेश्चन दे दें सर वो इक्वेशन एक बार पढ़िए ये वाला हाँ वो एक बार पढ़िए log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 into t2 thank you मैं रेस करूं क्या ऊपर का देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 45 टू 75 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टाइम्स कितने टाइम्स हो जाएगा ये बताना है आपको दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी करिए ट्राई जरा दोनों क्वेश्चन
सर 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 हो गया सॉल्व गाइस सॉल्व किया फर्स्ट वाला हो गया कितने टाइम्स गुड 8 टाइम्स परफेक्ट सेकंड कर दूं सर गैस कांस्टेंट जूल्स में होगा ना हो गया थ्री जीरो फोर है क्या सर सर 28.8 है क्या 28.8 यूनिट बताओ किलो जूल सही है भाई बाकी लोगों को आया कि नहीं आया नाइस सर क्यों नहीं आया भाई 255 जूल सर ये कौन से हिसाब से है भैया ये है log 3 0.47 समझा भाई थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है बस सर रेट कांस्टेंट का मैंने यूज किया क्या बेटा
हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट वाला वो चीज यूज किया ना, अगर रेशियो में वो कैंसिल होता है। समझा सर? फर्स्ट वन किसे किया? अरे तुम्हारा भी फर्स्ट ही नहीं हुआ भैया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जब 10 से 20 गया, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे 2 टाइम्स होता है, तो 2 की पावर कितने हो गए? 3। हाँ ओके सर। अब मेरी बात सुनिए, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है आपको, मेरी तरफ से खत्म हो गया ये चैप्टर, हो गया। हाँ अगली बार मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। हाँ मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, और अगर मॉड्यूल आपका नहीं हुआ तो फिर मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मॉड्यूल पहले खत्म हो। और मॉड्यूल अगला चैप्टर कौन सा होगा देखते हैं, फिजिकल अगर करेंगे तो इलेक्ट्रो करेंगे, नहीं फिजिकल करेंगे तो फिर पी ब्लॉक करेंगे। सर हमारा तो पी ब्लॉक वो भी बाकी। अरे हाँ तुम्हारा तो बहुत बाकी है। चलो लेट्स सी, मॉड्यूल सॉल्व करो। बाय सर, थैंक यू सर। सर हम आगे चल रहे हैं कि पीछे चल? बहुत आगे हो। सर ऐसा कैसे हो रहा है? सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है मैं नहीं पता, मैंने कभी किसी के लेक्चर कैंसिल कर दिए होंगे इसलिए तुम लोग आगे हो गए। हाँ सर, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे भी आपका एक ही लगता है, ऐसा तो नहीं है दो? नहीं नहीं कैंसिल हुआ है कोई लेक्चर मेरा, कभी मैंने किया रहेगा मुझे नहीं याद है इसलिए हो सकता। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय, थैंक यू।